वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम आकाश के रवि। और आज के इस वीडियो में हम पेन टूल मास्टर क्लास का यहाँ पार्ट टू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पेन टूल से क्रिएट किए गए शेप्स या फिर पार्ट्स को यहाँ मॉडिफाई करना एंड एडिट करना सीखने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोटोशॉप के अंदर हम पेन टूल का असली रूप यानी कि जिस काम के लिए फोटोशॉप के अंदर ये दिया गया है एक्चुअली, वो हम यहाँ देखने वाले हैं, जो की है द सिलेक्शन। पेन टूल का यूज करके हम फोटोशॉप के अंदर मोस्ट प्रिसाइज एंड द मोस्ट परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बेटर देन एनी अदर टूल्स इन फोटोशॉप। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में छोड़ा हुआ था, और मैं बता रहा था कि पेन टूल से पाथ्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो जस्ट हिट पी और ये आपका पेन टूल यहाँ इनेबल हो जाएगा। एंड अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया है कि अगर हमें पेन टूल से कोई पाथ क्रिएट करना है तो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ एक लाइन क्लिक करते हुए क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, और ये हमारा एक पाथ क्रिएट होता है। और अगर हमें कोई कर्व वाला पाथ चाहिए तो हमें क्लिक करके या फिर क्लिक होल्ड करके यहाँ से इस तरह से एक कर्व वाला पाथ हमें मिलता है। ओके, सो पहले तो हम इस कर्व वाले पाथ के जो हैंडल्स होते हैं उसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सो अगर मैं पेन टूल सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करूँ तो हमारे पास सबसे पहले ये हैंडल मिलता है, और ये हैंडल अभी लिंक है यानी कि ये जो पॉइंट आपका नजर आ रहा है मिडिल में, उसके अराउंड ये जो आपका हैंडल है वो यहाँ लिंक्ड है, वो यहाँ बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ से अपने नीचे वाले हैंडल को अगर छोटा करूँ तो यहाँ हमारा ऊपर वाला हैंडल भी छोटा होगा, और ये अभी हमारे एक पॉइंट को ड्रैग करने पर ये हैंडल आया है, अभी हमारा पाथ यहाँ क्रिएट नहीं है। अब अगर हम इस हैंडल को यहाँ से ड्रैग करके जितना बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं, और लेट्स से कि मैं अभी इतना छोटा इसे रख रहा हूँ, ठीक है, इतना छोटा। और अब अगर मैं अपना नेक्स्ट जो हमारा ये पाथ है वो क्रिएट करने जाऊं तो अभी यू कैन सी हमें ये शो कर रहा है कि हमारा जो पाथ है उसमें इतना कर्व अभी आएगा। और अगर मैं क्लिक करके होल्ड करूं दोबारा से अपने नेक्स्ट पॉइंट में और यहां से फिर से ड्रैग करूं तो यहां हमारा दूसरा हैंडल मिलेगा और एक और पॉइंट यहां क्रिएट हो गया, ठीक है। यू कैन सी अगर मैं अभी अपना कंट्रोल होल्ड करूं तो हमारा ये एरो आएगा जिससे हम अपने पेन टूल के पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर मैं क्लिक करूं इन दोनों पाथ के पॉइंट पर इस तरह से तो यू कैन सी एक का हैंडल इस तरह से है और एक का हैंडल इस तरह से। तो ये जो पॉइंट्स में हमारे हैंडल आते हैं वो हमारे पाथ को यहाँ कर्व में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। ओके, यू नो दैट, बट यू कैन सी यहाँ ये जो हैंडल अभी नजर आ रहे हैं वो यहाँ जितना बड़ा होता है, जितना मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ वो मेरे कर्व का, जो मेरा कर्व यहाँ बना हुआ था अभी, उसका ये एंगल इफेक्ट कर रहा है कि हाँ ये कितना एंगल में होगा। इस तरह से अगर मैं अपने हैंडल को इस तरह से सिलेक्ट करूँ कंट्रोल होल्ड करके और इस तरह से अगर लेफ्ट राइट करूँ तो ये मेरा अभी एंगल डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ हमें कितना एंगल रखना है हमारे ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, कितना कर्व रखना है। ओके, एंड सेकेंड बिगेस्ट थिंग जो यहाँ ये हैंडल डिटरमाइन कर रहा है वो है यहाँ इसका इम्पैक्ट। ये हमारा हो गया एंगल, कितना एंगल में हम इसे रखेंगे, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ रखूँ इस एंगल में तो ये पूरा सीधा रहेगा, ठीक है, इस तरह से, और ये कर्व इस तरह से बनेगा। अब अगर मैं इस हैंडल को छोटा करूँ तो अब ये क्या हो रहा है, हमारे इस कर्व का इम्पैक्ट, ये तो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ से, पहला चीज़ तो ये है कि एक एंगल में आ रहा है, पर ये कितना डीप एंगल में आ रहा है, कितना इम्पैक्ट के साथ आ रहा है, वो यहाँ ये हैंडल डिफाइन करता है। जितना छोटा ये हैंडल रहेगा उतना कम इम्पैक्ट पड़ेगा इस पाथ पर, ओके, और जितना ये हैंडल बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, उतना ज़्यादा गहराई से यहाँ ये कर्व क्रिएट होगा। सो अगेन, अगर मैं इसे डिलीट करूं और वापस से पेन टूल लेकर अगर मैं छोटा सा ही एक हैंडल क्रिएट करूं शुरू में ही, फर्स्ट पॉइंट में ही, तो अब हमारा जो यहाँ इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है कर्व का, वो उतना डीप नहीं है। बट यही हैंडल को अगर मैं शुरू में ही बड़ा कर देता पूरा ड्रैग करके इतना बड़ा, तो अब हमारा ये जो पाथ है उसका ये जो इम्पैक्ट यानी कि जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जो कर्व क्रिएट हो रहा है, वो बहुत ही यहाँ डीप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में जब हम यहाँ क्लिक करके ड्रैग भी करेंगे तो हमारा, अगर हमारा नेक्स्ट पॉइंट वाला जो हैंडल होगा वो अगर छोटा होगा तो यहाँ लेस एंगल और लेस इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये वापस से इसके जैसा बड़ा रहेगा इस तरह से तो यहाँ ये सेकंड वाला जो एंकर पॉइंट है वो भी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे इस कर्व को, ताकि ये यहाँ जैसा कि हमारा फर्स्ट एंकर पॉइंट एक बड़ा इन्फ्लुएंस दे रहा था हमारे कर्व को, हमारे पाथ को, उसी तरह से हमारा सेकंड पॉइंट भी अब इक्वली यहाँ इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस मैं क्विकली यहाँ से अपना पाथ डिलीट कर लेता हूँ पहले तो, और
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। सो यहाँ मेरे पास कोई एक डायग्राम है जिसमें कुछ यहाँ एक्सरसाइज दिए गए हैं जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से अपने पेन टूल को लूँ और इसे मैं ट्रेस करूँ यानी कि एक तरह से इसे दोहराऊँ, ठीक है। ये जो पाथ बना हुआ पहले से ही वो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में रखा हुआ है, मैंने इसे जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए ट्रेस करूँ पेन टूल से कि हाँ हमने यहाँ कितना पेन टूल सीखा हुआ है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यू नो दैट कि यहाँ एक कर्व है, तो मुझे यहाँ क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करना पड़ेगा। लेट्स से हम इतना बड़ा हैंडल क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर जाकर हम इस तरह से एक और कर्व ड्रैग करेंगे। अभी मैंने वो जो हमारा फर्स्ट हैंडल था वो थोड़ा छोटा बनाया था यहाँ, इसलिए अब ये जो हमारा पाथ है वो सही तो क्रिएट हो रहा है, सही एक कर्व दे रहा है, एक एंगल दे रहा है, पर इम्पैक्ट में थोड़ा सा एक कमी आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा हैंडल जो था फर्स्ट एंकर पॉइंट का वो यहाँ थोड़ा सा छोटा बढ़ गया, ठीक है। तो मैं बैक जाता हूँ और वापस से एक और ड्रैग करके हैंडल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस तरह से मेक श्योर कि आपका अगर जो पाथ है वो ऐसे जाने वाला है तो आप होल ड्रैग करोगे पॉइंट को अपने कर्व क्रिएट करने के लिए, वो ऊपर करोगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि आपका पाथ ऐसे आए, आप इस तरह से नीचे नहीं करोगे वरना आपका पाथ नीचे से आएगा। ओके, सो मैं अगेन यहाँ क्लिक करके होल्ड करता हूँ एंड अब मैं यहाँ से इतना बड़ा क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपका जो आपने कर्व या फिर पाथ आप क्रिएट कर रहे हो एक कर्व पाथ और आपका हैंडल अगर तिरछा हो जा रहा है इस तरह से एंगल में, ठीक है, और आपको स्ट्रेट चाहिए वो, तो आप शिफ्ट होल्ड करोगे और यहाँ से ये स्ट्रेट रहेगा। ओके, और अब मैं यहाँ से सेकेंड पॉइंट में आऊंगा और यहाँ से इस तरह से क्रिएट करूंगा एंड यू कैन सी अभी हमारा जो फर्स्ट हैंडल है वो यहाँ ज्यादा बड़ा हो गया, पहले छोटा हो रहा था अब ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक यहाँ मेथड है हमारे हैंडल्स को तोड़ने का या अनलिंक करने का। जो हमारा हैंडल होता है वो हमारे एंकर पॉइंट के दोनों तरफ बराबर होता है अगर हम होल ड्रैग करते हैं कर्व क्रिएट करने के लिए, तो अगर हमारे ये जो कर्व है वो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया है या फिर थोड़ा छोटा बन गया है तो ऑलवेज हम आगे जाकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इन साइड द पेन टूल। ओके, पर अभी मैं इस पाथ को पूरा यहाँ कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। सो 3 और यहां से इस तरह से ये परफेक्ट यहां हो गया। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट थोड़ा सा ये ऑफ हो जा रहा है हमारे ये 3rd पॉइंट से, बट डोंट वरी ये हम अभी फिक्स करेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने अपना कर्व क्रिएट कर लिया है और अब अगर हमें अपना पाथ यहां एडजस्ट करना है तो पेन टूल से शेप या कोई पाथ क्रिएट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप क्यों ना रहे हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ जाना है अपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो कि पेन टूल के नीचे ही मिलता है, ये एरो आइकन। इसके अंदर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दो सेम तरह के टूल मिल रहे हैं, पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसमें से अभी मैं चूज कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि हमारे एंकर पॉइंट को यहाँ एडिट करने में काम आता है, हमारे हैंडल्स को यहाँ एडिट करने में काम आता है। अब मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ अपने पॉइंट पर क्लिक करूंगा जिसका मुझे पाथ यहाँ मॉडिफाई करना है। क्लिक करते ही हमारा हैंडल यहाँ इनेबल होगा और अब अगर हम चाहे तो अपने हैंडल को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी क्या हो रहा है, अभी मैं यहाँ अपने हैंडल को एक तरफ एडजस्ट कर रहा हूँ यानी कि ऊपर, तो ये नीचे भी हो जा रहा है, बट इस केस में ये ओके है, यानी कि अगर मैं ऊपर वाला यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे भी एडजस्ट हो रहा है जो कि इस केस में सही है। बट अगर मैं यहाँ इस एंकर पॉइंट में क्लिक करूँ और अब अगर मैं यहाँ से एडजस्ट करूँ इसे तो थोड़ा सा यहाँ ऑफ हो जा रहा है हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे जहां जिस पॉइंट का एक हैंडल के तरफ जहां हमारा काम बिगड़ रहा होता है, हमारा पाथ ऑफ हो रहा होता है, हमें उस एरिया के उस पार्ट के हैंडल को यहां अनलिंक करना पड़ता है यानी कि तोड़ना होता है। ओके, तो हमें अगर चाहिए कि हम अगर इस हैंडल को यहां मूव करके इस पाथ को हम ठीक करें तो ये जो हैंडल है वो यहां मूव नहीं होना चाहिए। अगर हमें ये चाहिए तो हमें सिंपली अपने हैंडल को यहां ऑल्ट होल्ड करके यहां सेलेक्ट करना है और अब हम अपने एक हैंडल को यहां ब्रेक कर सकते हैं और अब ये इस तरह से हमारा कर्व परफेक्ट हो सकता है। उसी तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी, अगर मैं इस एंकर पॉइंट में क्लिक करूं तो ये हमारा आ गया हैंडल और अब अगर मैं इसे छेड़ूं तो हमारा नीचे वाला भी पार्ट यहाँ छिड़ जाएगा जो कि अभी सही लग रहा है, नॉट दैट बैड। बाय द वे आप यहाँ हैंडल के साथ साथ अपने एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल होल्ड करके इसी टूल से, डायरेक्शन टूल से, और इसे इस तरह से नज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड और ये हमारा एक पाथ यहाँ क्रिएट हो गया है। उसके बाद लेट से हमारे पास ये वाला एक कर्व पाथ है जिसे हमें ट्रेस करना है, तो हम अगेन जाएंगे पेन टूल में और यहाँ से कंट्रोल होल्ड एंड ड्रैग शिफ्ट होल्ड करेंगे ताकि ये स्ट्रेट रहे और अगेन कम टू सेकेंड पॉइंट और ये यहाँ से एक कर्व क्रिएट करेंगे। अब अगर मैं
आगे जाकर एक और कर्व क्रिएट करूं, तो मैं कैसे क्रिएट कर पाऊंगा? क्योंकि अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पॉइंट से यहां शुरू किया और सेकंड पॉइंट में जाकर इस तरह से ड्रैग कर दिया। अगर हम ऊपर ड्रैग करते यहां तो नीचे क्रिएट हो जाता। हमें क्या करना था, हमें सेकंड पॉइंट में आके नीचे ड्रैग करना था ताकि हमारा फर्स्ट कर्व यहां डन हो जाए। बट अब हमारा क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट के बाद ये जो कर्व है वो अब नीचे से आ रहा, ठीक है। तो हम अगर चाहें तो यहां अगर क्लिक करके ऐसे करना चाहे तो ये तो नहीं होगा भाई। तो इसी सारे केस में हमें हैंडल को ब्रेक करना जरूरी है। वो तो मैंने फर्स्ट वाले एग्जांपल में एक बेसिक फंडा बताया था, एक बेसिक केस बताया था हमारे हैंडल को तोड़ने का। ये है एक हेक्टिक इशू जहां पर हमें अपने हैंडल को ब्रेक करना ही होता है। तो ब्रेक करने के लिए पहला चीज तो ये है कि हम बार बार अपना डायरेक्शन यहाँ चूज करते रहे और इसे यहाँ मॉडिफाई करते रहे। अगर हमें पेन टूल में ही रहना है तो हमें यहाँ कंट्रोल होल्ड करना पड़ता है और अपने हैंडल को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। That's good. Control hold करना मतलब वही टूल को इनेबल करना, ओके? अब अगर मुझे अपना नेक्स्ट जो पाथ आ रहा है वो यहाँ कर्व नहीं चाहिए तो मैं सिंपली ऑल्ट होल्ड करूंगा और अपने इस वाले हैंडल को यहाँ इस तरह से पकड़ूंगा और यहाँ इस तरह से प्लेस कर दूंगा। अब हमारा क्या होगा, अगेन एक ऊपर से कर्व आ रहा है और अब मैं इस तरह से अपने थर्ड पॉइंट में एक और कर्व यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ। दैट इज गुड। बाय द वे ये जो मैंने अभी किया ऑल्ट होल्ड करके अपने हैंडल को इस तरह से इधर प्लेस करना या फिर जहां मुझे चाहिए अपने नेक्स्ट कर्व के लिए वहां इसे प्लेस करने का जो मैंने अभी किया, वो मैंने क्या किया, अपने हैंडल को यहां ब्रेक किया, ठीक है, ताकि हमारा अपर वाला हैंडल यहां डिस्टर्ब ना हो और ये हैंडल हमारा अनलिंक हो जाए, ब्रेक हो जाए। अगेन इस तरह से मैं रखूंगा इसे और एक और यहां कर्व कंटिन्यू करूंगा, ओके? और अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हमारे हैंडल्स को यहाँ ऑल्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे और इन्हें एडजस्ट करेंगे, हमारे पाथ को सही से मिलाएंगे। अगेन यहाँ से कंट्रोल क्लिक ऑन द एंकर पॉइंट और यहाँ से ऑल्ट क्लिक और ये हमारा यहाँ इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, ओके? और अगेन ये फर्स्ट वाला हमारा जो कर्व है अभी ब्रेक नहीं है, यू कैन सी। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके इसे मूव करने का ट्राई करूं तो ये हमारा ब्रेक नहीं है अभी। मैं ऊपर वाले को ब्रेक करूंगा, ऑल्ट होल्ड करूंगा और यहां से अगेन इस तरह से करूंगा। थोड़ा सा हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ इधर की तरफ आ गया है। मैं कंट्रोल होल्ड करूंगा और अपने पॉइंट को भी यहां से मैं नज कर सकता हूं, मैंने बताया था। और ये हमारा एक और पाथ हमने ट्रेस कर दिया है कर्व वाला। सो अभी यू कैन सी हमारा ये जो हमने कर्व पाथ यहाँ ट्रेस किया तो हमारा लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर आकर खत्म किया, ठीक है। बट हमारा ये जो पाथ है वो यहाँ कंटिन्यू रह रहा है, तो हमें इसे ब्रेक करने के लिए यानी कि हमारे ये जो पाथ है उसे खत्म करने के लिए हमें यहाँ एस्केप प्रेस करना पड़ता है ताकि हमारा ये जो पाथ है वो यहाँ डन हो जाए। यानी कि अगर हम पेन टूल से कुछ यहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं और यू नो कि हमें अगर अपने पाथ को एंड करना है तो हमें वापस से उसी पॉइंट में जाकर यहाँ इसे बंद करना पड़ता है, इस लूप को, जो कि ये आइकन शो करता है और आपका यहाँ पाथ बंद हो जाता है, आपका यहाँ पेन टूल विदाउट क्लिक के बिना यहाँ पाथ अगेन क्रिएट नहीं करता है। तो ये तो हो गया एक आपके पाथ को बंद करना, डन करने के बाद आपका पेन टूल यहाँ छूटता है। बट अगर आपका पाथ आधे में ही है, इस तरह से आपने पाथ क्रिएट कर लिया और आपने बंद अभी तक नहीं किया है, पाथ अभी कंटिन्यू होते जा रहा है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ एक और यहाँ एंकर पॉइंट क्रिएट होगा, तो इससे अगर हमें रोकना है, हमें अपना पाथ को एंड करना है विदाउट क्लोजिंग द पाथ, तो हम यहाँ एस्केप करेंगे और हमारा पाथ यहाँ एंड हो जाएगा। अब अगर हम अपने लेयर्स पैनल के पाथ में जाकर यहाँ चेक करें तो हमारा ये वर्क पाथ अभी शो कर रहा है, हमारा सारा यहाँ ये पाथ। सो अभी हमने एक गलती तो करी दी है और वो है हमारे एक ही पाथ में, एक ही लेयर में सारा पाथ यहाँ क्रिएट कर दिया है। तो अभी क्विकली मैं यहाँ से, अभी के लिए मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, ठीक है। और क्यों अंडू मैंने किया है, क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमारा ये जो ट्रेस है वो यहाँ हमारा वर्क पाथ 1 है, तो मैं इसे 1 दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 था ये, यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर 3। और एक और मैं यहाँ से वर्क पाथ क्रिएट कर रहा हूँ और उसका नेम दे रहा हूँ एक्सरसाइज 4। एंड अब मैं आ रहा हूँ, अभी आपका ये जो, जैसे मैंने अपना न्यू लेयर क्रिएट किया पाथ का, हमारा पाथ यहाँ गायब हो गया है। सो डोंट वरी, हम हमारे सिंपली अपने पाथ वर्क पाथ को यहाँ क्लिक करेंगे जहाँ पर वो पाथ था और ये पाथ यहाँ वापस से विजिबल हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगेन मैं आ रहा हूँ अपने एक्सरसाइज 4 में और यहाँ से अब मैं इस पाथ को अगेन ट्रेस करूंगा और अब मैं एक और मेथड से अपने हैंडल्स को ब्रेक करने का तरीका बताऊंगा। और वो क्या है, अब मैं सिंपली अपने एक पॉइंट में यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूंगा, पहला चीज़ तो ये है।
और अब मैं सेकंड पॉइंट में जाकर एक कर्व बनाऊंगा, ओके। और इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑल्ट और अपने हैंडल को ब्रेक करेंगे हम और इसे एडजस्ट करेंगे, पोजिशन करेंगे इस तरह से ताकि हमारा एक कर्व बन पाए, एक परफेक्ट कर्व। इसके जगह में हम क्या कर सकते हैं, अपने हैंडल को ब्रेक करने के लिए अपने हैंडल को मिटा देंगे और वो हम करेंगे इसी एंकर पॉइंट में ऑल्ट क्लिक करके। जैसे हम यहाँ ऑल्ट क्लिक करेंगे, रिमेम्बर हम अपने एंकर पॉइंट में कर रहे हैं ऑल्ट क्लिक, जैसे हम इसे ऑल्ट क्लिक करेंगे हमारा ये अदर हैंडल जो था वो यहाँ खत्म हो गया। अब हमारा सिर्फ एक हैंडल बचा है जो हमारे किसको अफेक्ट करेगा, हमारे इस पाथ को अफेक्ट करेगा जो कि अभी बना बनाया है। और अब मैं सिंपली अगर जाऊं और अपने थर्ड पॉइंट में क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूं तो ये हमारा कुछ इस तरह से पाथ क्रिएट हो रहा है, जो कि आई नो कि उतना अच्छा कर्व यहाँ नहीं बन रहा है, वो हमें इस तरह से यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा हैंडल तो अब गया और हम इस तरह से इसे क्रिएट कर पाएंगे, ओके। अब अगर हमें इसे परफेक्ट करना है तो हमारे पास ऑफ कोर्स ये पॉइंट के लिए दो हैंडल्स है, जो कि ये हैंडल हमारा ये पार्ट अफेक्ट करेगा और ये हैंडल हमारा ये पार्ट अफेक्ट करेगा। तो हम ये हैंडल को पकड़ेंगे कंट्रोल होल्ड करके और यहाँ से इसे मॉडिफाई करेंगे। रिमेम्बर मैंने कंट्रोल होल्ड किया है इसलिए हमारा अभी दोनों ही पार्ट अपने हैंडल्स यहाँ अफेक्ट हो रहा है। अगर हमें ब्रेक करना होता तो मैं यहाँ ऑल्ट होल्ड कर रहा होता, ठीक है, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं कंट्रोल होल्ड कर रहा हूँ और इसे परफेक्ट कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ कंट्रोल क्लिक करूंगा और यहाँ से इस वाले पाथ को भी एडजस्ट करूंगा कंट्रोल होल्ड करके, कंट्रोल क्लिक एंड ड्रैग एडजस्ट द पॉइंट, अगेन होल्ड कंट्रोल एंड एडजस्ट द हैंडल, ओके। उसके बाद हमारा लास्ट जो कि अब इस तरह से, यू नो दैट हमने अपना हैंडल खो दिया है ब्रेक करने के चलते, इसलिए हमारा अभी कर्व यहाँ परफेक्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें यहाँ दो पॉइंट से कर्व क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज फाइन। आपको यहाँ पेन टूल चलाते समय यही सारी चीजें समझनी है, अगेन कंट्रोल होल्ड एंड एडजस्ट, ओके। अब हमें ये पाथ को एंड करना तो मैं यहाँ से एस्केप की प्रेस करूंगा। सो दैट इज हाउ वी मॉडिफाई आवर पाथ्स विथ ब्रेकिंग, मॉडिफाइंग एंड जस्ट नजिंग और पॉइसनिंग आवर एंकर पॉइंट्स, ओके। उसके बाद अगर मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ से एक ब्लैंक पहले डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ और मैं यहाँ एक इमेज यहाँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये यहाँ कुछ इस तरह से, यू नो ये एक एयरटेल का सोशल मीडिया पोस्टर है और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ ये शेप है। और अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल को अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे ट्रेस करूँगा और इसी के जैसा एक यहाँ ऐड क्रिएट करूँगा, ओके। तो अब मैं सिंपली जाऊँगा अपने लेयर्स पैनल में और थोड़ा सा इसका ओपेसिटी डाउन करूँगा, ओपेसिटी डाउन टू 20% और यहाँ से पेन टूल एंड अब मैं यहाँ से इसे ट्रेस करूँगा। तो लेट्स से ये यहाँ एक काइंड ऑफ सर्कुलर शेप है और थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेट पाथ भी है, तो मैं स्ट्रेट से ही शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, मैंने वो नहीं करना है, मैं क्लिक करके थोड़ा सा बस ड्रैग करूँगा ताकि हैंडल छोटा बने और कम इन्फ्लुएंस हो, मैंने बताया हुआ है। अगेन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से एक कर्व क्रिएट करूँगा ड्रैग करके, ओके। एंड उसके बाद यहाँ ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। मेक श्योर कि आप अपने जो पॉइंट्स है उसको बराबर यहाँ ऐड करते हुए जाओ, यानी कि जैसे कि मैंने अभी यहाँ से यहाँ पॉइंट ऐड किया, अगर मैं यहाँ कर देता तो मेरा जो शेप है वो उतना यहाँ सही नहीं बनता। तो आपको जहाँ नेसेसरी है पॉइंट ऐड करने का वहाँ आपको करना होगा इस तरह से। कीप इन माइंड कि आपको यहाँ ज़्यादा पॉइंट भी यहाँ ऐड नहीं करना है इस तरह से, ये बैड तरीका है ग्राफिक डिज़ाइन का, ठीक है। जितना ज़्यादा कम पॉइंट होगा उतना अच्छा आपका, उतना स्मूथ आपका पाथ क्रिएट होगा, उतना सही आपका शेप क्रिएट होगा, ठीक है, स्मूथ लगेगा देखने में, प्रोफेशनल। बट इतना भी नहीं करना है कम कि आप पॉइंट ही दो तीन क्रिएट करो बस, जितना चाहिए उतना आपको देना ही होगा इसे। तो मुझे एक दो तीन चाहिए था इसको क्रिएट करने के लिए तो मैंने दिया। अब मैं यहाँ से इसे क्रिएट कर रहा हूँ एंड आगे जाकर यहाँ और अब यहाँ, यू कैन सी हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर वापस आ रहे, तो हमारा ये लूप अब क्रिएट हो रहा है। क्लिक करके मैं होल्ड कर दूंगा तो यहाँ हमारा इस तरह से ये घूम जाएगा। तो या दिस इज लुकिंग गुड। अगर मैं मॉडिफाई करना है तो ऑफ कोर्स हम कंट्रोल क्लिक करेंगे हमारे किसी भी एंकर पॉइंट में और यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके इस तरह से, ओके। अब मुझे इसमें से एक शेप चाहिए। सो अगर आपने मेरा पिछला वाला क्लास देखा हुआ है तो आपको याद होगा मैं सिंपली इसको क्रिएट करने के बाद भी यहाँ शेप पर क्लिक करूंगा और यहाँ से हमारा ये जो पाथ था वो अब यहाँ शेप में कन्वर्ट हो गया। यस अभी ये स्ट्रोक आ रहा है, मैं जाऊँगा अपने पाथ से शेप में और यहाँ से सिंपली अपना एक फिल ऐड कर दूंगा। स्ट्रोक पहले बंद कर लेता हूँ और यहाँ से फिल ऐड कर रहा हूँ। या दिस इज लुकिंग गुड। अब अगर मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो भाई टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली मैं पहले तो इसे नीचे कर लेता हूँ और सेम वही टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ।
अब ये थोड़ा सा राउंडेड टाइप का एक फॉन्ट है, तो लेट्स से मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए। लेट्स से अभी के लिए मैं रोबोटो यूज़ कर लेता हूँ। रोबोटो इज़ गुड, बोल्ड यूज़ करूँगा मैं इसका। और यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से कैरेक्टर पैनल खोलूँगा, और यहाँ से इसका जो स्पेसिंग है लेटर्स के बीच का, उससे मैं यहाँ से 0 करूँगा, डिफ़ॉल्ट पर सेट करूँगा। और अगर चाहिए तो मैं इसे ब्लैक भी कर सकता हूँ, ब्लैक इज़ बोल्ड, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अपने इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा और इसका जो स्पेसिंग है वो कम कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस, लाइक -20। और इसका जो लाइन स्पेसिंग है, लाइन के बीच का स्पेसिंग, वो मैं थोड़ा सा यहाँ डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ओके, लाइक 9 इज़ गुड, ओके। और यहाँ से अभी ये लेफ्ट लाइन है, मैं यहाँ से इसे पैराग्राफ में जाकर मिडिल में करूँगा, एंड अब मैं यहाँ से इसे प्लेस करूँगा, ठीक है, बड़ा करूँगा। और मैं एक्चुअली आपको एक एड को कॉपी करना भी सिखा रहा हूँ इस समय में, सो यू कैन लर्न टू थिंग्स इन वन क्लास, राइट। और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसका जो फॉन्ट केस है वो मैं थोड़ा सा यहाँ सही कर सकता हूँ। फॉन्ट केस के लिए मैं सिंपली इसे इस तरह से लिखूँगा, मेंशन दैट फ्रेंड, कैसा था भाई, फ्रेंड हु आस्क्स योर हॉट स्पॉट ऑल द टाइम, ओके, दैट इज़ गुड। ये अब सही लग रहा है, हमने बेटर बना दिया भाई, जस्ट हमने इसे बेटर बना दिया। यू कैन सी, अगर मैं इसे पूरा करूँ तो ये है बिफोर ये आफ्टर। आई नो कि फॉन्ट थोड़ा सा उतना सही नहीं है, यू गॉट द आइडिया। अब अगर आप देखें तो हमने एक शेप को ट्रेस किया पेन टूल की मदद से, और हम जब चाहें तब इस शेप को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे पेन टूल में, और यहाँ से इस शेप में आएंगे, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हमारा ये शेप इनेबल हो जाएगा, और हम कभी भी इसके पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, जब चाहें हम एडिट कर सकते हैं इसे, विच इज सो गुड। और ये चीज हमारे पेन टूल के शेप के लिए नहीं होता है सिर्फ, ये हमारे कस्टम शेप्स वाले में भी यूज होता है। लाइक अगर मैं कस्टम शेप में जाकर कोई और शेप यहाँ से लूँ तो भाई इसके लिए क्या सही लगेगा, यहाँ फ्लावर तो सही नहीं लगेगा, ये ट्री में ले लेता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इसे प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा करूँगा मैं, लेट्स से यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस शेप में रहते ही, यू नो कि ये एक कस्टम शेप है, पेन टूल से क्रिएट नहीं किया है हमने, तो यहाँ एंकर पॉइंट मैंने बनाया नहीं है मैनुअली, तो अब ये कस्टमाइज कैसे होगा? कस्टमाइज ये सिंपली वैसे ही होगा जैसे पेन टूल का शेप होता है। हम जाएंगे पेन टूल में, या फिर कंट्रोल होल्ड करेंगे, या फिर हम डायरेक्शन टूल यहाँ चूज करेंगे और इसे मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से, इस तरह से, लाइक ये सारे एंकर पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से इसे प्लेस कर दिया, इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, शेप के साथ। जहाँ एंकर पॉइंट है वहाँ हर चीज पेन टूल से लिंक्ड है, मैंने बताया हुआ था, ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल। अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपली इस वाले सारे एलिमेंट को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, और इसी लेयर में रहते हुए, इस इमेज वाले लेयर में रहते हुए यहाँ एक मार्की क्रिएट कर रहा हूँ, और इसे मैं आई से सैंपल कर रहा हूँ इस कलर को, और यहाँ से फिल कर रहा हूँ एक लेयर लेकर, फिल गायब हो गया ये। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और इसे मर्ज कर लूंगा ताकि ये मर्ज हो जाए। इसका नेम देंगे हम पोस्टर, एंड अब मैं एक यहाँ शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, आई नो कि बहुत गंदा सा है, बट वी कैन मॉडिफाई इट लेटर लाइक दिस। और यहाँ भी अब मैंने एक शेप बना दिया। अब मैं जाऊँगा पेन टूल में और इसका यहाँ से कलर चूज़ करूँगा रेड, और अब मैं एक और इमेज यहाँ लाऊँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, ठीक है। और लेट्स से अभी मैं इस वाले इमेज को भी यहाँ हटा रहा हूँ, आई चेंज माई माइंड, इसे भी मैं यहाँ हटा रहा हूँ, और यहाँ इस वाले शेप को मैं नीचे ला रहा हूँ, और इस वाले लेयर को मैं इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा करेंगे हम और शेप को बड़ा करेंगे हम, कंट्रोल टी एंड मेक इट बिगर, ओके। एंड अब मैं इस वाले सब्जेक्ट लेयर को राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिपिंग मास्क क्रिएट करूंगा, और यहाँ से ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब अंदर जाने के साथ साथ ये कुछ इस तरह से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से एक एड बना सकते हैं, लुकिंग गुड। अब अगर चाहिए आपको कि आप इस शेप में आपका ये पार्ट क्लिप हो जाए, नीचे वाला पार्ट, और ऊपर वाला जो फेस है वो रिवील हो जाए, तो अगेन मैं इसका एक डुप्लीकेट लूंगा, ओके, और मास्क क्रिएट करके इसे मैं मिटा दूंगा यहाँ से नीचे वाला पार्ट को,
अब मज़ा आ रहा होगा आपको। और इन सारे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप, और ये है हमारा सब्जेक्ट, और कंट्रोल टी से छोटा, और मैं इसे यहाँ प्रेस करूँगा, और एक टेक्स्ट लेकर मैं लिखूँगा नंबर वन नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, जस्ट अ कीवर्ड, आई डोंट नो नंबर वन है या नंबर टू है, बट जस्ट अ कीवर्ड, एंड रेगुलर यूज़ करेंगे हम यहाँ, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं। यू गॉट द आइडिया, आई नो कि फॉन्ट उतना सही से सूट नहीं कर रहा है, बट आप अपना टाइम ले सकते हो और इसे क्रिएट कर सकते हो। मे बी इंडिया नीचे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई डोंट नो, जैसा आपको करना है आप कर सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो या पेन टूल से हम लोग ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, और जब चाहें तब हमारे सारे प्रोजेक्ट डन होने के बाद भी हम अपने किसी भी शेप में जा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे पेन टूल से क्रिएट किया, और पेन टूल से क्रिएट नहीं भी किया होता तो शेप टूल हर वेक्टर टूल हमारे पेन टूल से लिंक्ड है, तो भाई 8 तो होगा ही होगा। तो मैं जाऊंगा पेन टूल, एंड अब कंट्रोल क्लिक करेंगे, एंड अब अगर मैं चाहूं तो इसे इस तरह से क्रिएट कर सकता हूं और मॉडिफाई कर सकता हूं, कंट्रोल क्लिक इस तरह से। सो या अब ये थोड़ा सही लग रहा है, ये अब चल सकता है। ठीक है, हमारे ऐड के लिए मैं क्विकली इन सारे को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और चीज़ यहाँ समझाना है, और वो है हमारे एंकर पॉइंट को कन्वर्ट करना फ्रॉम अ हार्ड कॉर्नर टू अ कर्व्ड कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर। ठीक है, सो अगर मैं अपने पेन टूल से यहाँ कोई पाथ क्रिएट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया और आगे जाकर क्लिक ड्रैग किया तो ये कर्व बना, फिर जाके मैं एक क्लिक किया तो ये हार्श कॉर्नर के साथ आया, उसके बाद मैंने फिर से ड्रैग किया तो ये कर्व आ रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ से मिला दिया, तो अब हमारा जो शेप है वो यहाँ बहुत ही खराब बन रहा है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट्स है वो यहाँ कहीं कहीं पर हार्ड है, कहीं कहीं पर कर्व्ड है। कंट्रोल क्लिक भी करूँ ना तो यहाँ हमारा ये पॉइंट में हमारा हैंडल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बस क्लिक किया था, ऑल्दो हमने यहाँ पर जो पॉइंट ऐड किया वो ड्रैग करके ऐड किया, इसलिए यहाँ हैंडल है, इसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसे गोल कर सकता हूँ, बट हमने यहाँ और यहाँ जो पॉइंट ऐड किया वहाँ हैंडल नहीं है, जस्ट हमने इसे क्लिक करके क्रिएट किया था पॉइंट, इसलिए यहाँ हैंडल नहीं है, इसलिए कर्व नहीं है। तो अब इसे अगर हमें एक सॉफ्ट कर्व्ड कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास इसको करने के लिए दो चीज है, एक तो हमारे पेन टूल के ग्रुप में ही यहाँ राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट टूल, या कन्वर्ट पॉइंट टूल सही सुनाई दे रहा है, ये पॉइंट को हमारे कन्वर्ट करता है फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट पर क्लिक कर दूं अब और क्लिक करके ड्रैग करूं, मेक श्योर कि आप सही डायरेक्शन में इसे ड्रैग करो, तो अब ये हमारा जो पॉइंट था जो हार्ड यहाँ कॉर्नर आ रहा था वो अब यहाँ कर्व में यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, अब हमारे पास हैंडल है, अब हम इसे जहाँ चाहे जैसे चाहे यहाँ इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई कर्व वाला हैंडल है, हमें इसे ये करना है, हमें इसे कॉर्नर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसी टूल को यहाँ सिलेक्ट रखते हुए जाएंगे अपने पॉइंट पर और यहाँ इसे क्लिक करेंगे बस, तो ये यहाँ हमारा कर्व खत्म हो जाएगा और हमारा एक पॉइंट एक हार्श कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बताया था इस वाले डायग्राम में, तो वही चीज है हमारा यहाँ। सो इस तरह से हम पेन टूल के साथ अपने एक कर्व्ड एंकर पॉइंट को हार्श कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा कन्वर्ट पॉइंट टूल या कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ओके, उसके ऊपर हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये क्या करता है, सिंपली अगर मैं इसे क्लिक करूं और सिलेक्ट करूं तो हमारा ये जो पॉइंट यहाँ है उसे मैं क्लिक कर दूं अगर जाकर, तो हवर करते हैं हमारे पास ये माइनस का आइकन आ रहा है। बाय द वे, ये जो अभी माइनस का आइकन आ रहा है वो अगर हम अपने नॉर्मल पेन टूल में भी रहें तो हमारा ये शो करता है, तो हमें इसके लिए अपने डिलीट एंकर पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ वैसे ही शो करता है। ठीक है, सो अगर मैं अपने पॉइंट पर इसे हवर करूँ और ये माइनस शो करे और मैं इसे क्लिक करूँ तो हमारा यहाँ पॉइंट डिलीट हो जाएगा। उसी के उल्टा अगर मैं अपने पेन टूल को सिलेक्ट रखकर या फिर एड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट रखकर इस तरह से हवर करूँ अपने किसी भी पाथ पर, चाहे वो पहले से बना हुआ पाथ हो, आपने कहीं से लाया हो कोई बना बनाया पाथ, कोई लोगो, अगर उसमें पाथ है और उस पर हवर कर रहे हो आप, तो यहाँ प्लस का आइकन आता है जहाँ से आप अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो, और इसे इस तरह से पॉइंट ऐड करती है आपका ये एरो में कन्वर्ट हो जा रहा है, आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो और आपका वही सारा हैंडल्स आपको मिलता है। ओके, अभी मैं अपने प्लस पेन टूल में था, एड एंकर पॉइंट टूल में। ठीक है, अगर आप पेन टूल में भी रहोगे तो यही चीज आपका होगा, एंकर पॉइंट में हवर करने पर माइनस शो करेगा और खाली पाथ पर हवर करने पर प्लस शो करेगा इस तरह से। उसके बाद हमारे पास एक कर्वेचर पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल क्या है, कर्वेचर पेन टूल जो बिगिनर्स है उसके लिए होता है। सो अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं अभी, तो हमारे पास ये एक कर्व है, और अगर आपको कर्व क्रिएट करना नहीं आ रहा है
शुरू का जो हमारा मेन पेन टूल है उससे ड्रैग करके। तो आप ऑफ कोर्स शुरुआत में अपना ये कर्वेचर पेन टूल को यूज में ला सकते हो, और इसे इनेबल करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ क्लिक करना है, और जिस कॉर्नर में आपको लगता है कि यहाँ कर्व होना चाहिए वहां पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ मैंने बस एक पॉइंट लगाया क्योंकि ये पॉइंट है, अब मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ एक कर्व हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करूंगा और यहाँ हमारा थर्ड क्लिक एंड Have a look at this. बहुत ही easy है, right? अब हमारा next ये यहाँ continue होता जाएगा, but ये curvature pen tool है तो यहाँ ये हमेशा curve create करेगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा curve यहाँ create हो गया है, ठीक है, तो अब अगर मुझे इसे break करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ alt click करूँगा, खत्म ये हो गया। अब ये हमारा जो curvature pen tool है वो अब यहाँ एक harsh path दे रहा है, ठीक है, जो कि इस तरह से अगेन ये यहाँ कर्व शो कर रहा है, मैं यहाँ अगेन ऑल्ट क्लिक करूँगा तो ये रुक जाएगा अपने हार्श पाथ पर। तो ये सारे नियम सारे रूल्स आपका सारे टूल्स में काम करता है, वही ऑल्ट वही कंट्रोल वही ब्रेकिंग सिस्टम सारा कुछ वही काम करता है, ओके। उसके बाद आपका यहाँ फ्री फॉर्म टूल है, और फ्री फॉर्म टूल आपका सिंपली आपके पेंसिल पेन की तरह होता है जो आप यहाँ कॉपी में अपना इस तरह से ड्रैग करके यूज करते हो। लाइक मैं अगर अपना नाम लिखूँ तो इस तरह से लिखूंगा आकाश, एक्चुअली मेरा ये शेप का फिल यहाँ ऑन है तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ और अपना स्ट्रोक यहाँ ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कुछ यहाँ ड्रैग करूँ लिखूँ तो अब ये इस तरह से लिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ अपना नाम लिखूँ लेट्स से इस तरह से, तो अब ये इस तरह से हमारा एक पेंसिल पेन की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है, ओके। तो ये आपका जस्ट फ्री फॉर्म है, फ्री फॉर्म नाम से पता चल रहा है, फ्री रहेगा फ्री फॉर्म, आपको यहाँ कोई पॉइंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग करते जाओ लिखते जाओ और आपका पॉइंट ऐड होता जाएगा। उसके बाद लास्टली जो इस क्लास का मेन मोटिव है, इस पेन टूल का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल यूज इन फोटोशॉप, एंड वो है द सिलेक्शन यूजिंग पेन टूल। अगर आपको पता नहीं है तो पेन टूल का यूज करके हम मोस्ट प्रिसाइज मोस्ट परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बेटर देन एनी अदर AI टूल और एनीथिंग इन फोटोशॉप। क्यों? क्योंकि पेन टूल हमारे कंट्रोल में होता है, हम चाहे तो उसे किसी भी तरह से अपने एज में अपने कहीं पर कर्व चाहिए तो हम उसे कर्व कर सकते हैं, हमें कोई एज शार्प चाहिए तो हम उसे शार्प कर सकते हैं, हमारा कुछ एज एक्सपैंडेड चाहिए तो हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा छूट है। मान लेते हैं कि हम यहाँ बैठ रहे हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स लेकर और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अपना जो लाइन है वो यहाँ खींच रहे हैं, कर्व खींच रहे हैं और अपना एक सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना कोई प्रोफेशनल वर्क के लिए कोई भी सिलेक्शन करता हूँ तो मैं विदाउट एनी डाउट पेन टूल के साथ यहाँ क्रिएट करता हूँ, ओके। और आई नो कि ये जो पेन टूल है वो बहुत ही एक लेंदी चीज हो जाता है क्योंकि हमें इससे पॉइंट क्रिएट करते हुए एक सिलेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, बट बिलीव मी अगर आप एक प्रोफेशनल रियल वर्ल्ड काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए तो मोस्ट प्रिसाइज आपको जो काम डन करके देगा वो यहाँ पेन टूल ही देगा इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल में जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस क्लास का, इस पेन टूल एपिसोड का। अभी ये जो कैप है वो अभी एक ग्रे बैकग्राउंड में है और मुझे इसे बैकग्राउंड से कटआउट करना है, सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली अपना पेन टूल लूंगा और शेप की जगह मैं यहाँ पाथ सिलेक्ट करूंगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन क्रिएट करते समय आपका यहाँ पाथ सिलेक्टेड हो, तब जाके आपका यहाँ एक पाथ क्रिएट होगा और आप उसे सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं शुरुआत करता हूँ लेट्स से यहाँ से क्लिक करूंगा मैं और इस तरह से मैं ड्रैग करूंगा। बाय द वे आपने मान लेते हैं क्लिक किया और यहाँ से अगेन दूसरे पॉइंट में क्लिक किया और आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका किसी गलत जगह पर क्रिएट हो गया है, तो आप यहाँ सिंपली स्पेस प्रेस करोगे और आपके पॉइंट को आप यहाँ रिपोजिशन कर सकते हो सिर्फ क्रिएट करते समय, ठीक है। सो मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, ओके। हैंडल को मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करूंगा और इस तरह से मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा। मेक श्योर कि आपके यहाँ थोड़ा सा जूम्ड इन रहे, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा जूम्ड इन, और अगर आप ज़्यादा जूम इन हो तो थोड़ा सा अंदर ही रहकर अपना सिलेक्शन करें क्योंकि आगे जाकर हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपैंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कर्व है तो मैं हैंडल को ब्रेक करूँगा और यहाँ क्लिक। रिमेंबर कि जितना पॉइंट चाहिए आपको उतना ही यूज़ करना है, ना कम यूज़ करना है ना ज़्यादा यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करने पर ज़्यादा कॉर्नर्स आपको मिलेगा, ज़्यादा आपका पॉइंट क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस मिल रहा है इस कर्व को, तो मैं सिंपली अपने हैंडल को ब्रेक करूँगा और इस तरह से आगे बढ़ूंगा। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ बहुत स्मॉल डिटेल है, आपको यहाँ थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा एंकर पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको। ओके, अब हमारा एक बड़ा सा यहाँ कर्व है। अब हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ आ गया है, तो अब वी नो कि हमारा लूप यहाँ बंद हो जाएगा एंड ये हमारा पाथ अब डन हो गया है। अब अगर आप चाहो तो आपको पता है आपको अगर सुधारना है किसी पार्ट को तो आप ऑलवेज़ कंट्रोल होल्ड करोगे या फिर डायरेक्ट सेशन टूल यहाँ से लोगे और इसे सुधार सकते हो। बट इन माई केस ये थोड़ा सा ये सही लग रहा है एंड वी कैन गो फर्दर टू मेक दिस अ सिलेक्शन। ओके, तो सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपली हमें अपने पाथ को क्रिएट करने के बाद, बंद करने के बाद राइट क्लिक करना और यहाँ से मेक सिलेक्शन करना है, या फिर आप यहाँ से शेप के बगल में आपका सिलेक्शन है जहाँ से आप इसे क्लिक करके अपना एक सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के दौरान आपको ये पूछेगा कि आपको फेदर कितना देना है, मतलब आपने जो यहाँ रेडियस क्रिएट किया है, सिलेक्शन क्रिएट किया है, उसको आपको सॉफ्ट कितना करना है। मैंने बताया हुआ है फेदर क्या होता है, तो मैं अभी इसे 0 में सेट करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा एंड बूम, आपका यहाँ एक सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। बट एक चीज़ यहाँ छूट गई, क्या छूट गई, हमारे सिलेक्शन का, हमारे इस कैप का अंदर वाला पार्ट हमने सिलेक्ट नहीं किया है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ जाता हूँ पाथ में, क्योंकि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस पाथ को बंद करने के बाद एक और पाथ यहाँ क्रिएट करने लगूँ तो ये जो पाथ है वो इसी लेयर में क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ एक ही लेयर में क्रिएट हो, मैं एक और लेयर क्रिएट करूँगा और अब मैं इस पर एक सिलेक्शन क्रिएट करूँगा इस तरह से। थोड़ा अंदर ही रहेंगे हम क्योंकि उतना मैटर तो नहीं करेगा अंदर का हमारा डिटेल। एंड दिस इज लुकिंग गुड। अब मैं सिंपली अपने वर्क पाथ को यहाँ सेलेक्ट करूंगा जो कि हमारा मेन पाथ था यहाँ, और जाऊंगा लेयर्स में और यहाँ से सिलेक्शन में कन्वर्ट करूंगा एंड यहाँ से मास्क करेंगे हम इसे। ओके, अगेन जाएंगे हम पाथ में और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करेंगे अपने पाथ वन में, मेक सिलेक्शन का शॉर्टकट है ये, या फिर आप अगेन वही प्रोसेस क्लिक करके यहाँ मेक सिलेक्शन करो, ओके करो और यहाँ से ब्लैक कलर से इसे फिल कर देंगे, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, और ये हमारा कैप अब आइसोलेट हो गया है हमारे बैकग्राउंड से। अब मैं एक यहाँ सॉलिड कलर एडिशनल लेयर लूँगा जो कि रहेगा ब्लैक अभी के लिए, और ब्लैक मैंने इसे रखा है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना प्रिसाइज है। ठीक है, एक्सेप्ट आपका थोड़ा सा एक कलर अडेप्ट कर रहा है जो कि हम काउंटर कर सकते हैं, उसके अलावा देखो कि ये कितना परफेक्ट सिलेक्शन है। और इसीलिए पेन टूल को हर एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू मेक सिलेक्शन। ओके, हमारा ये जो कलर्स आ रहा है उससे हम काउंटर कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है, हम सिंपली अपने मास्क को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे। ओके, और सिंपली जाएंगे यहाँ डिकंटैमिनेट कलर्स एंड ये हमारा कलर्स यहाँ गायब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम फेदर कॉन्ट्रास्ट यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं और शिफ्ट एज को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट 0 करेंगे वापस से और शिफ्ट एज को मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ओके करेंगे। ओके, नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कितना ये प्रिसाइज सिलेक्शन है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कोई यहाँ सेम वही ग्रे बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ जो पहले था, बट अभी इसे ऐड करने का मकसद कुछ और है। तो मैं पहले तो ये जो लेयर है मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा और मैं अभी क्या नाम है इस कैप का भाई, जॉर्डन क्लब कैप, टी प्रेस करके एक यहाँ से टाइप टूल लूँगा और यहाँ से लिखूँगा इस तरह से, और यहाँ से हेल्वेटिका फॉन्ट लूँगा, यहाँ से लूँगा मैं हेल्वेटिका मीडियम, मीडियम किधर है, ओके यहाँ से मैं ब्लैक लूँगा कलर, पेस्ट करेंगे, छोटा करेंगे, इसे प्लेस करेंगे यहाँ। अब लेट्स से ये डॉलर भी मैं ऐड कर देता हूँ, ज़्यादा मेक सेंस करेगा ये। नाउ वी आर गेटिंग देयर, अब मुझे आइडिया आ गया। ठीक है,
तो अब ये सही लग रहा है। अब मैं इस कैप के नीचे यहाँ एक ऐड करूँगा हमारा जूस, एंड वो जूस है हमारा लोगो, Nike शूज लोगो। ओके, जस्ट कॉपी पेस्ट, मेक इट बिगर। अब ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है तो मैं इसे इसका बैकग्राउंड में हटाऊंगा। मैजिक वन टूल, क्लिक डिलीट, कंट्रोल डी, वापस से ब्रिंग बैक बड़ा, एंड सॉफ्ट लाइट, या ये जो इसको छोटा करूँगा मैं अभी थोड़ा सा। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी नहीं है ये PNG इमेज, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बड़ा करके कंट्रोल क्लिक करूँगा इसके लेयर पर, तो ये एक सिलेक्शन यहाँ दे देगा। अब यहाँ से एक लेयर लेकर या फिर सॉलिड कलर लेकर इसे फिल कर दूँगा, नीचे वाले को डिलीट कर दूंगा। अब ये सही है। अगर मैं चाहूँ तो इसके मास्क को मैं सिलेक्ट करके जाऊँगा फिल्टर और ब्लर एंड देन गॉसियन ब्लर, ठीक है 1 पिक्सल। और अब ये थोड़ा सा रफ लग रहा है, थोड़ा सा ट्रेंडी लुक दे रहा है, ठीक है। कुछ का नाम ना जानो तो ट्रेंडी बोल दो कूल बनने के लिए, ठीक है। और अब मैं चाहूँ तो इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस रेड वन, और थोड़ा सा यही कलर सही लगेगा, ब्लैक डार्क ग्रे। ओके, ओपेसिटी बहुत कम करेंगे हम 20%, ठीक है। एंड आई डोंट नो कैसा लग रहा है ये, बट जैसा भी लग रहा है अभी के लिए काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए। अरे यार छोड़ो। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड में, लुकिंग गुड। और अब मैं सिंपली एक टेक्स्ट टूल लूँगा और एक ड्रैग करके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा, और इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 12 पॉइंट का रहेगा, सॉरी पॉइंट है ना 40 चाहिए। अब मैं इसे लॉरम इप्सम से भर दूँगा, तो जाएंगे टाइप और पेस्ट लॉरम इप्सम, एंड या लुकिंग गुड। ठीक है, सो या बहुत ही बेसिक सा है, बट यू गॉट द आइडिया, एंड दैट इज हाउ वी यूज पेन टूल इन एडवांस्ड वे इन एवरी वे। हर तरह से पेन टूल को फोटोशॉप के अंदर किस किस तरीके से किस किस काम के लिए यहाँ यूज करना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ कवर कर दी हैं। आई होप कि ये दो वीडियो ने आपके पेन टूल के सारे डाउट्स, सारे जो डर थे उसको खत्म कर दिया होगा, और अब आप पेन टूल को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से माइंड फ्री करके समझ पाओगे। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है और आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा है। सो या गिव इट अ लाइक, और अगर मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, एंटिल देन इट्स पीस आउट।